एक महिला जिसके आगे यमराज भी हार गया, जाने कैसे। वट सावित्री का व्रत कर महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए बरगद के पेड़ के नीचे पूजा करती हैं। ज्येष्ठ माह में पड़ने वाली अमावस्या को वट वृक्ष की पूजा करने का विधि विधान है। धार्मिक मान्यता है कि बरगद के वृक्ष के तने में भगवान विष्णु, जड़ में ब्रह्मा और शाखाओं में शिव का वास होता है, इसलिए बरगद के पेड़ की आज पूजा त्रिदेव के रूप में की जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार सावित्री ने अपने पति की मृत्यु के बाद यमराज से अपने तप के बल पर उन्हें पुनः जीवित अवस्था में प्राप्त किया था। तभी से अपने पति की लंबी आयु के लिए महिलाएं व्रत करती हैं और बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं। कच्चे सूत को महिलाएं बरगद के पेड़ पर लपेटकर परिक्रमा करती हैं। धूप दीप रोली और मिठाई चढ़ाकर बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं। पीढ़ियों से बरगद के पेड़ की पूजा का विधि विधान वर्तमान में भी महिलाएं पूरी श्रद्धा के साथ करती हैं। मैं आपको सुना श्रीवास्तव, किस चीज की पूजा हो रही है? ये जो है अपने पति की दीर्घायु के लिए होती है, लेकिन जो है सावित्री जो है अपने सत्यवान के लिए जो है इस व्रत को किया था, निर्जला व्रत रह के, तब उसके पति की आयु जो है वो हो गई थी, तभी से ये व्रत संपन्न हुआ दीर्घायु के लिए। किस चीज की पूजा कर रहे हैं? पूजा कर रहे हैं अपने पति की लंबी उम्र के लिए। क्या मानता है, क्या कहानी है इसकी पूजा की? इसकी कहानी है कि सावित्री की जो वो अपने पति को यमराज के मुंह से लाए थे बचाने। तो कैसे इसको व्रत कैसे किया जाता पूजा? इसके पता सुबह किया जाता है, जब तक बरगद का पूजा किया जाता है, पूजा करने के बाद फिर पानी पी लिया जाता है। नहीं, निर्जला व्रत रहा जाता है? और नहीं, उतना देर तक निर्जला रहा जाता है, उसके बाद पूजा करने का। रायबरेली से यूपी 24 न्यूज के लिए स्वंदीप मिश्रा की रिपोर्ट।